पवन सिंह का गाना आरा में दोबारा फिर आईबुना। जी हाँ, इस गाने के बारे में आज थोड़ी डिटेल से बात हम इसलिए करने वाले हैं, इस गाने में क्या क्या यूज़ हुआ है वो तो बताएंगे आपको, उस पर आपका ध्यान आकर्षित भी करवाएंगे। लेकिन क्या खेसारी लाल यादव को उनकी औकात दिखाने के लिए पवन सिंह ने ये गाना लेकर आए, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि भाई खेसारी लाल यादव ने ये गाना, जो उनका गाना था, वो लेकर आए और बड़ी ताबड़तोड़ स्थिति में लेकर आए। गाना अच्छा भी था, उसकी भी पिक्चराइजेशन अच्छी थी और गाना इतना भी लैविश नहीं था, लेकिन खेसारी के जैसे गाने होते हैं वैसे ही था। तो चलिए थोड़ी सी बात हम जरा आरा वाले गाने पे इसलिए करें, क्या ये गाना शान की विषय बन गया था पवन सिंह के लिए, जो इसमें 4 विदेशी डांसर हैं, 25 भारतीय डांसर हैं, 2 रेंज रोवर लग्जरी गाड़ियाँ हैं भाई, और सुजुकी की 1800cc बाइक है। भाई इस तरह का प्रोजेक्ट बॉलीवुड में देखने को मिलता है, ऐसा प्रोजेक्ट क्या पवन सिंह लाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आरा वाले जब आते हैं इस तरह आते हैं। वैसे आपको हम यहाँ ये बता दें कि खेसारी लाल यादव का जब गाना आया था तो बहुत बवाल मचा था, लोगों ने उस गाने की बहुत तारीफ की थी, लेकिन नहले पे दहला शायद पवन को मारना हर बार आता है। और खेसारी भले ही कह रहे हों कि भाई उनका गाना, या उनके फैंस ये कह रहे हैं उनका गाना बहुत बेहतरीन था, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने पर नहले पे दहला मारकर सभी का मुंह बंद करवा दिया है पवन सिंह ने। शायद ये गाना देखने के बाद अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो गई है, वो इसलिए कि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का गाना लेकर आएंगे। बात अगर आप पवन सिंह के अटायर यानी कि कपड़ों की कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कपड़े यूज़ किए गए हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज को सूट हो रहे हैं, और इस तरह से लग रहा है कि मानो कोई सुपरस्टार, यानी पवन तो है ही सुपरस्टार, इस तरह से उसे पूरी तरह से हर चीज़ों को यूज़ किया गया है सेट पर। और डांसिंग जो है वो लग ही नहीं रहा है पवन सिंह की कि किसी भोजपुरी कोरियोग्राफर ने ड्राफ किया। खैर आपको आगे हम बताते हैं कुछ और बातें। ऐसी सुनने में आया है कि पवन सिंह आगे इससे भी बड़ा एक भोजपुरी गाना लाने वाले हैं, जिस पर बात चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए इस गाने ने सबका मुंह बंद कर दिया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।